भिवंडी के पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। भिवंडी शहर के मशहूर और एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के यूट्यूब के पत्रकार ताहिर शेख पर उन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाले चार भाइयों ने मिलकर रात करीब 12 बजे हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार ताहिर शेख गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उन्हें भिवंडी के IGM हॉस्पिटल में लाया गया, जहां CT स्कैन न हो पाने की वजह से जाँच में दुश्वारी आई और उनकी हालत गंभीर बताकर उन्हें कलवा हॉस्पिटल रेफर किया गया। झगड़े में बीच बचाव करने गई ताहिर शेख की मां के हाथों पर भी चोटें आई और वो भी जख्मी हो गई। पत्रकार ताहिर शेख की मां ने बताया कि विवाद पहले भी हो चुका है। पूरा मामला बिल्डिंग की पार्किंग को लेकर हुआ, जहां कुछ लोग अपनी गाड़ी को इस तरह पार्क करते थे कि बिल्डिंग में रहने वालों के लिए आने जाने की जगह नहीं होती थी। बस इसी बात का विरोध करने पर ताहिर शेख पर चार भाइयों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि पत्रकारिता करते हुए ताहिर शेख किसी की नजरों में खटक गया होगा या किसी ने अपनी जाति दुश्मनी निकाली हो। ये पूरा मामला एक जांच का विषय है और शांति नगर पुलिस मामला दर्ज कर रही मामले की जांच। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा पत्रकार ताहिर शेख की मां ने। जो आपका बेटा है ताहिर, उसके ऊपर हमला हुआ, कुछ लोगों ने किया है, तो कैसे हुआ? हमको भी नहीं मालूम बेटा, वो काहे के लिए हमला कर रहे हैं। उन लोगों को पार्किंग की बात थी, लेकिन वो अचानक उन लोग ने, उसका भाई ने फोन करके बुलाया अपने भाइयों को और बोला कि सामान निकाल। तब मैं लोगों को पकड़ने गई तो मेरे को भी ढकेल उकेल के मेरे भी ऊपर भी वार किया और उस पर भी मारे उसको। कौन बोला था, इसका नाम क्या नाम है, नाम मालूम है आपको? एक का सलीम है, एक अशफाक है और एक बबलू है। चौथे माले पे रहते हैं लोग, हम लोग पहले माले पे रहते हैं और गाड़ी एकदम दादर के बाजू में टेढ़ी रखी थी। बस यही बोले कि गाड़ी तुम यहाँ से हटा लो। ये पूरा वाक्या जो पार्किंग की कर लो, पार्किंग की वजह से हुआ था सारा मामला? पार्किंग की वजह से नहीं, रास्ता नहीं था वही पार्किंग में आने जाने के लिए, तो जैसे गाड़ी गिर जाएगी तो किसी के भी, हम लोग के भी लग सकती है। इसके लिए वो हटाने के लिए उसको मतलब सीधी करने बोले और साइड में करने बोले। तो कल भी वही पार्किंग की वजह से हुआ था, वहाँ सामने मट्टी थी इसलिए हम लोग ने सबको हटा दिए, तो सब खत्म हो चुका था। लेकिन आज उन लोगों ने क्या गाड़ी में सामान रखे थे ये नहीं पता। और वो चारों भाई, एक भाई ने फोन करके तीनों भाइयों को बुलाया। अच्छा, आपको भी मार लगा है, कैसे लग गया आपको मार? आपको क्या पता, अब मैं पकड़ने जा रही थी, छुड़ाने जा रही थी, अब वो लोग सामान रख के क्या सामान निकालने गए, बस उस पे से मैं पकड़ने लगी। बेटा तुम काय का सामान निकाल रहे हो मारने के लिए? तो मेरे को लात मारा, वो हाथ से ही मेरे को पूरा रिक्शे में से धक्की देके नीचे की गाय। उनके पास आपने कोई हथियार वगैरह देखा? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन वो नीचे अंदर चढ़ा था, मैंने उसको खींच के निकाली गाड़ी में से और टायर को सर पे मारे। चार भाई थे वो लोग। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।